दोस्तों आज मैं एक और प्रोडक्ट लेके आया हूँ आपके सामने। दोस्तों अगर आपके घर पे चार टीवी लगे हैं, चार अलग अलग रूम में चार टीवी है और आपको एक ही डिश लगानी है और चारों में अलग अलग चैनल देखने, चार सेटअप बॉक्स चलाने हैं, तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज होगा इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों यूट्यूब पे आपको काफ़ी ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, अलग अलग वीडियो आते हैं। कुछ लोग सिंगल LNB का यूज़ करते हैं और स्प्लिटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों ऐसे आप नहीं देख सकते क्योंकि इसमें DB लॉस होती है और आपका सिग्नल भी लॉस होता है और इसमें आपका जो LNB वो ख़राब हो जाएगा। तो एक्चुअल में एक ही डिश पे आप चार सेटअप बॉक्स कैसे चला सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपको ऐसा एक LNB लेना पड़ेगा, चार पोर्ट वाला LNB। तो यहाँ पे मेरे पास अभी दो LNB, एक है जापान का और एक जर्मनी का। दोस्तों ऐसे LNB इंडिया में भी मिल जाते हैं, तो इसका भी मैं आपको डिटेल दूंगा। और दोस्तों LNB आपको लेना है तो क्या देख के लेना है इसके बारे में भी बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नॉइज़ फिगर है 0.3 dB और इसका गेन है 70 dB। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास LNB है यूरोपीस का, ये भी बहुत ही अच्छा LNB है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नॉइज़ फिगर देख सकते हो, तो यहाँ पे इसका नॉइज़ फिगर है 0.1 dB, यानी कि जिसका नॉइज़ फिगर कम हो वो बेस्ट LNB माना जाता है। और आपको अच्छे सिग्नल मिलाने, हाई सिग्नल इंक्रीज करने हैं, तो इसके लिए आपको गेन भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 70 dB इसका गेन है, तो जिस LNB का गेन ज़्यादा है इसका सिग्नल हमें ज़्यादा मिलेगा और नॉइज़ फिगर कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो शार्प का LNB आता है वो 60 dB का होता है, इसका गेन 60 dB होता है, तो इसमें थोड़ा सिग्नल कम आता है। और इन्वर्टो LNB आता है आपको पता है, तो इसका गेन होता है 100 dB के ऊपर इसका गेन होता है, इसके कारण ये 15% सिग्नल इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है कि डिज़ाइन फॉर वीक सिग्नल TP, तो वीक सिग्नल के लिए बहुत ही अच्छा LNB है। यहाँ पे इंडिया में देखिए तो यहाँ पे ये टाटास का इसका यूज़ करता है। तो अभी मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लकी स्टार का LNB ओपन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार का आपको LNB मिलता है लकी स्टार, इसमें यहाँ पे सब कुछ डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो सेम टू सेम वही लिखा है और यहाँ पे चार पॉट आपको मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4। तो एक ही डिश पे आपको चार सेटअप बॉक्स लग जाएंगे। यहाँ पे आपको चारों सेटअप बॉक्स के तार लगा देने हैं, तो चारों सेटअप बॉक्स में अच्छे से सिग्नल मिल जाएंगे। या फिर इसका लॉक आ जाता है तो पानी ना घुसे इसके लिए इसका लॉक आता है। तो ये है लकी स्टार का LNB, ये है लकी स्टार का 0.3 dB का और 70 dB इसका गेन है। अभी मैं आपको यूरोपीस का भी LNB दिखा देता हूँ, तो ये भी बहुत ही अच्छा LNB है। दोस्तों आप लोकल मार्केट में देखेंगे तो लोकल LNB मिल जाते हैं, लगभग 350-400 से 500 रुपये में ऐसे LNB मिल जाते हैं, लेकिन इसका थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोपीस का LNB है, तो यूनिवर्सल क्वाड LNB, इसको क्वाड LNB बोलते हैं, जिसका चार पॉट होता है इसको क्वाड LNB बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आप नॉइज़ फिगर देख सकते हो 0.1 dB और गेन है 70 dB। यहाँ पे भी आपको चार पॉट मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों बहुत ही अच्छे LNB है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे घर पे एक और लगा है टाटा स्काई का LNB, जिसमें मेरे घर पे चार सेटअप बॉक्स चल रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये लकी स्टार, ये है यूरोपीस। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा LNB है। अगर आपके घर पे एक ही डिश लगी है और चार सेटअप बॉक्स चलाने, तो ऐसा LNB आप परचेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे घर पे जो लगा है टाटा स्काई का LNB वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक डिश देख सकते हैं, 2 फीट की डिश पे यहाँ पे डिश टीवी सेट है। यहाँ पे 4 पॉट वाला LNB है, क्वाड LNB यूज़ किया है, ये मेरे घर का ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाटा का इसका यूज़ करता है। और दोस्तों ये आता है 0.5 dB का, ये भी बहुत ही अच्छा LNB है। इसका प्राइस की बात करें तो लगभग 1200 में ये LNB मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसे आप चार कनेक्शन अपने घर पर लगा सकते हो, चार अलग अलग रूम में आप टीवी देख सकते हो एक ही डिश पे। तो दोस्तों अगर आपको चार टीवी चलाने, तो ऐसा LNB ज़रूर परचेस करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए कि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते। और दोस्तों आपको कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।